छत्तीसगढ़ में 3 कछुए वन विभाग की कड़ी निगरानी में हैं। दरअसल इन कछुओं के मामले में एक केस चल रहा है। क्या है पूरी कहानी, आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव में वन विभाग ने 3 कछुओं को पिछले 4 साल से एक पानी की टंकी में रखा हुआ है। ये कछुए 4 साल पहले तस्करों से बरामद किए गए थे, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है। इन्हें वन विभाग तब तक अपनी निगरानी में रखेगा जब तक इनकी रिहाई के आदेश नहीं आ जाते। कहानी ये है कि सितंबर 2015 में पुलिस ने 6 तस्करों को गिरफ्तार किया था, जो कि तंत्र मंत्र के चक्कर में कछुओं को लेकर जा रहे थे। इस मामले में तस्करी के आरोपियों को तो कोर्ट से जमानत मिल गई, पर ट्रायल अभी भी जारी है, इसलिए राजनांदगांव के फॉरेस्ट डिपो में इन्हें रख दिया गया है। 4 कर्मचारी इनकी दिन रात देखभाल कर रहे हैं, ताकि सबूत के तौर पर इन्हें कभी भी कोर्ट में पेश करना पड़ सकता है। वन विभाग मुसीबत में है, क्योंकि ऐसे मामलों में अलग से फंड नहीं होता और अब वन विभाग के अफसर अपनी जेब से पैसे खर्च कर कछुओं के लिए रोजाना पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। जब से मुकदमा हुआ है, अभी तक इन्हें एक बार भी पेश नहीं किया गया है, इसलिए इन्हें छोड़ा भी नहीं जा सकता। हालांकि वन विभाग चाहता है कि इन्हें जल्दी से जल्दी संरक्षित क्षेत्र में छोड़ दे, लेकिन मामला कोर्ट में होने और बिना अदालत के आदेश के ये काम नहीं हो सकता। आरुषि पुंडीर, गो न्यूज़।